त्रिकूट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। प्रियतम और प्रियाजो की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। माँ जानकी जी अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी महाराज के स्वरूप का चित्र अंकित करके गौरी माता का पूजन करती हैं। माता गौरी उनके इस निश्चल प्रेम के लिए उन्हें आशीर्वाद स्वरूप यह कहती है कि जिस सांवरे वर के बारे में तुम चिंतन कर रही हो वही तुम्हारा मन पसंद वर तुमको प्राप्त होगा। अब जानकी जी गौरी जी को अपने अनुकूल जान करके इतनी प्रसन्न हो रही है कि उनकी प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जानकी जी के बाएं अंग जो है स्फुरण करने लगे, जो कि मंगल के सूचक होते हैं। अब इधर रघुनाथ जी महाराज जानकी जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके अपने गुरु की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा के निमित्त ही पुष्प लेने के लिए रघुनाथ जी महाराज यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ जानकी जी का स्वरूप दृश्यमान हो गया और जानकी जी की उस मनमोहक छवि पर रघुनाथ जी महाराज सम्मोहित से हो गए। अभी देखो उनकी स्थिति अभी भी उसी प्रकार से है। क्या कहते हैं, हृदय सराहत सीय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय सराहत सीय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहाँ सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, उनी असीस दुहु बाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भए सुखारे। हृदय में सीता जी के उस सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास पहुंच गए। श्री रघुनाथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। इसी कारण से रघुनाथ जी महाराज ने अपने मन की इस व्यथा को भी अपने गुरु के चरणों में पुरुष दिया है। विश्वामित्र महाराज पुष्पों को प्राप्त करके ठाकुर जी की पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाए। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों सुखी हुए। देखो यह जो चौपाई है, जब भी आप किसी को अपने से अनुज को आशीर्वाद देते हैं तो इसी चौपाई का आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं है किसी को आशीर्वाद देने की। क्षमता प्रभु की है, रघुनाथ जी महाराज की है। तो यदि कोई आपको प्रणाम करता है तो आप उसे इसी चौपाई से आशीर्वाद प्रदान कर दें, अथवा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इनके मन में जो मनोरथ हो वह आप अपनी कृपा से यथा योग्य संपन्न करें। तो यथा योग्यम तथा गुरु प्रभु, जो इनके योग्य हो आप इनके लिए उचित अवश्य करें। करी भोजन मुनि बर भी ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिसी ससी उयउ सुहावा,
सिय मुख सरीस देखी सुख पावा बहुरी बिचारु की न मन माही सिय बदन समहिम कर नाही जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। अब विश्वामित्र जी महाराज अपने पूजा कर्म से निवृत्त हुए और भोजन करने के पश्चात कुछ प्राचीन कथाओं को दोनों भाइयों से कहने लगे और उन कथाओं को सुनते सुनते उनका इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो गया। दोनों भाई गुरु के चरणों में प्रणाम करके संध्या वंदन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब देखो इधर में संध्या का समय हो रखा है, पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हो रहा है और रघुनाथ जी महाराज के हृदय में अभी तक जानकी जी की वह पावन छवि जो है वैसे के वैसे जमी हुई है, उसी प्रकार से उकेरित है। जैसे दीवार पर किसी चित्र को उकेर दिया जाता है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी महाराज के हृदय में भी जानकी जी की वह पावन और पवित्र छवि विद्यमान है। तो पूर्व दिशा में उगते हुए उस चंद्रमा को देख करके रघुनाथ जी महाराज ने उसे सीता जी के मुख के समान जाना और सुख को प्राप्त किया। फिर थोड़ी देर बाद मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो घटता और बढ़ता रहता है। रघुनाथ जी कहते हैं कि नहीं, चंद्रमा को मैं सीता जी से तुलना नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जन्म सिंधु बुनि बंधु बीशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। पहली बात तो यह है कि चंद्रमा का जो जन्म है खारे समुद्र में हुआ है और विष इसका भाई है, क्योंकि विष का भी जो प्रागट्य है समुद्र मंथन के कारण हुआ है। और यह चंद्रमा दिन में मलिन हो जाता है, अर्थात निस्तेज रहता है। भगवान सूर्य के तेज के प्रभाव के कारण चंद्रमा निस्तेज हो जाता है और यह कहीं कहीं से कलंकी भी है, इसमें दाग धब्बे भी है। तो यह बेचारा गरीब चंद्रमा, लिखा ना तो सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक, यह गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? क्यों? क्योंकि यह घटता बढ़ता रहता है। घट ही बढ़ही बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही बैदेही मुख पट तर दीने हो ये दोषु बड़ अनुचित कीने सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। और फिर दूसरी बात यह है कि यह चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और जो विरहिणी स्त्रियां होती हैं उनको दुख देने वाला है। तो यह चंद्रमा विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है और राहु भी मौका प्राप्त करके अपने संधि काल में इसे ग्रस लेता है। यह चंद्रमा चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला है, दुख देने वाला है और कमल पुष्प के वैरी है, क्योंकि चंद्रमा की शीतल किरणों को प्राप्त करके कमल का पुष्प जो है मुरझा जाता है। तो हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं, तो ये सारे गुण जो अवगुण जो हैं सीता जी में नहीं है, इसलिए तुम सीता के समान नहीं हो सकते। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म है, इससे मुझे बहुत दोष लगेगा। इस प्रकार रघुनाथ जी महाराज चंद्रमा की बातें करते करते याद और चिंतन तो जानकी जी को करते हैं, है ना।
तो इसी प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके, अब देखो संध्या के समय बैठे थे, संध्या वंदन करके उस समय बैठे थे, चंद्रमा को देखा और चंद्रमा से जानकी जी की मुख की तुलना करने लगे। करी मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाय कीन विश्राम, विगत निशार गुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। तो ऐसा सोचते सोचते उन्हें बड़ी रात निकल गई, बहुत रात बीत गई, तो बड़ी रात हो गई है जान करके वे गुरु जी के पास में गए। गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर रघुनाथ जी महाराज ने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, क्या कहने लगे, उयउ अरुण अवलोक हुताता, पंकज खोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। रघुनाथ जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण को देख करके कहते हैं कि हे तात, देखो यह कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज देखो बड़ी विनम्रता है लक्ष्मण जी में। रघुनाथ जी महाराज अपने मन की सारी बातों को लक्ष्मण जी के पास रखते हैं, लेकिन जहाँ उचित समझते हैं वहाँ पर ही लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं, बाकी सभी बातों को प्रेम से सुनते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि अरुणोदय होने से यह कुमुदिनी जो है सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर के यहाँ इस धनुष यज्ञ में आए हुए सभी राजा बलहीन हो गए हैं, उसी प्रकार से सूर्य के प्रभाव के कारण यह कुमुदिनी भी सुकुचा गई और तारागणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।